हमारा उद्देश्य हो गया है कि अब हमें वन की ही सेवा करना है, वन और वन्य प्राणियों की सेवा करना है। इसी कारण हम लोग ज़्यादा बस वन ही दिखता है हमें, परिवार से तो हम दूर रहते ही हैं, समाज से भी दूर रहते हैं, क्योंकि सिर्फ वन सेवा ही हमारा धर्म बना हुआ है। भारत के वन रक्षक देश के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने, जंगली जानवर और मानव के बीच संतुलन बनाए रखने और इस प्रकार हमारे जल और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अथक परिश्रम के साथ डटे रहते हैं। सुबह 5 बजे उठ के अपना फ्रेश हुए, उसके बाद जंगल में अपना GPS की सहायता या मोबाइल की सहायता से गश्ती करते हैं 10-11 बजे तक। फिर उसके बाद रूम पे आके अपना फ्रेश हुए, नहाए धोए, आराम किए, फिर 2 से 3 बजे के बीच घूमने निकल जाते हैं, फिर 5 से 6 बजे तक घूमते हैं। एक दिन में कम से कम 10 से 12 किलोमीटर चलना पड़ता है। हम लोग जिन नालों में मिट्टी मंधान बनाते हैं, जहाँ पर कि जो मिट्टी मंधान बनने के बाद वहाँ पानी बहुत दिनों तक रहता है या अस्थायी तौर पर रहता है। PIP जो बोल रहे हैं उसमें पगमार्क रहते हैं, तो उसका कलेक्शन करते हैं हम लोग, उसका रजिस्टर्स मेंटेनेंस बना के रखते हैं कि इसमें कौन सा जानवर किस दिशा की ओर निकला है और कब निकला है, ये जानकारी हमें हो जाती है कि शाम को निकला, हम लोग उसे बना देते हैं। जब हम अपने घरों में बैठ TV पर वन्य जीव और खूबसूरत जंगलों के नज़ारे देख रहे होते हैं, तब उसी जंगल में कोई वन रक्षक जीवन को खतरे में डाल शिकारियों और तस्करों से नंगे हाथों संघर्ष कर बिना किसी बाहरी सहयोग के प्रतिदिन और रात पूरी हिम्मत और निष्ठा से काम कर रहा होता है। सबसे ज्यादा तो हम निहत्ते रहते हैं, जंगल में घूमते हैं, सिर्फ एक ही श्रमिक और वन रक्षक अकेला ही घूमता है, और ग्रामीण सामूहिक रहते हैं, 10-20 लोग भी शिकार के लिए जाते हैं, कटाई के लिए जाते हैं। हमारी जान तो 24 घंटे हमारी जोखिम बना रहता है हम पे। सबसे मुश्किल टास्क तो अपना विद्युत लाइन गश्ती का है, क्योंकि इसमें जान जोखिम में रहती है, क्योंकि करंट लगा रहता है, हमारे पास उसे डंडा रहता है। वाहन चेकिंगों की गश्ती में ऐसा है कि ये लोग कुछ अवैध शिकार से संबंधित खाल रखते हैं, हड्डियाँ रखते हैं, कुछ नाखून रखते हैं, या फिर वन उपज परिवहन भी करते हैं, लकड़ियाँ परिवहन करते हैं, तो इसी कारण हमको वाहन चेकिंग बहुत ज़रूरी है। मेरी तो 3री पीढ़ी है, हमारे दादाजी भी फॉरेस्ट में थे, पापा जी भी और मैं भी। भारत में एक वन रक्षक हर दिन संघर्ष करता है, सफल होता है और इतिहास रचता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये कहानियां अनसुनी रह जाती हैं।